जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप के अपने YouTube चैनल में। दोस्तों अगर आप इंडियन आर्मी में भर्ती होना चाहते हो तो आपके लिए बहुत बड़ी खबर यहाँ पे लेके आ। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी सेना रैली भर्ती होने वाली आर्मी रिक्रूटमेंट रैली के बारे में इस नोटिस में सारी चर्चा करने वाले। योग्यता मात्र 10वीं पास रखी गई है, भर्ती होने से दोस्तों आपको कोई नहीं रोक पाएगा। ये सारी जानकारी दोस्तों मैं आपको स्टूडियो में प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। दोस्तों आप वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, साथ में वीडियो लाइक जरूर कर दे, और आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस महत्वपूर्ण बातें करने वाले की कौन कौन सी जो कैटेगरी में भर्ती होने वाली आपके सोल्जर जनरल ड्यूटी मतलब सोल्जर जीडी है, क्लर्क है, ट्रेड्समैन है, नर्सिंग असिस्टेंट, सभी की यहां पर भर्ती होने वाली है। क्या इस बार एज क्रिटेरिया रखा गया, हाइट में भी आपको यहां पर छूट मिलने वाली है। दोस्तों में सारी जो अपडेट है वो इस वीडियो में देने वाला, ऑफिशियल नोटिस आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं जो इंडियन आर्मी के द्वारा जारी किया गया था। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। दोस्तों आप वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, साथ वीडियो लाइक जरूर कर दे, और दोस्तों आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, साथ में महत्वपूर्ण जानकारी अपने दोस्तों के पास में भी आप जरूर जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलो दोस्तों देखते हैं सारी जानकारी। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमने ओपन कर लिया। सबसे पहले अलग अलग मैं बता देता हूं दोस्तों आपको कौन कौन सी वैकेंसी यहां पे, कितनी हाइट है, वेट कितना, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या 2020 में कोई बड़ा चेंजेस किया गया नहीं किया गया, रनिंग में आपका कितना टाइम दिया जाएगा, टाइम कम किया गया कुछ बढ़ाया गया, सारी जानकारी मैं आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज स्टूडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेते दोस्तों सोल्जर जनरल ड्यूटी की बात करें तो यहाँ पर 17.5 से 21 वर्ष के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, 169 सेंटीमीटर की हाइट है तो भी यहाँ पर आपको भर्ती होने का मौका मिल जाएगा। साथ में दोस्तों अगर आप 10th पास हो और 10th में आपके 45% मार्क्स है और सभी सब्जेक्ट में आपके 33% मार्क्स बन रहे तो यहां पर सेना आपको जनरल ड्यूटी मतलब जीडी की वैकेंसी, जीडी की जो पोस्ट है उस पर भर्ती होने का बड़ा मौका दे रही है। नेक्स्ट बात करते हैं सोल्जर टेक्निकल की भी भर्ती है। अगर आपकी 17.5 से 23 वर्ष के बीच में आपकी हाइट 169 सेंटीमीटर है, आपकी चेस्ट है वो यहां पर 77 नॉर्मल और 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ में होनी चाहिए। अगर दोस्तों आप 10+2 पास हो और 12th में आपके फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ है और आपके मिनिमम 50% मार्क्स है और सभी सब्जेक्ट में 40% मार्क्स है, सोल्जर टेक्निकल में भी भर्ती होने का बड़ा मौका यहाँ पे मिलने वाला आपको। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों सोल्जर टेक्निकल जो एविएशन और एम्यूनेशन एग्जामिनर की वैकेंसी है, यहाँ पर भी 17.5 से 23 वर्ष के बीच में आपकी उम्र है वो होनी चाहिए और इसमें भी आपके 12th में मैथ साइंस जो साइंस में आपके मैथ है, फिजिक्स और केमिस्ट्री होना जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट की भी वैकेंसी होने वाली, 17.5 से 23 वर्ष के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, 169 आपकी हाइट होनी चाहिए अगर आप 10+2 पास हो और 10+2 में आपके फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी और 50% मार्क्स एग्रीगेट और सभी सब्जेक्ट में 40% मार्क्स यहाँ पे बन रहे तो यहाँ पर आप भर्ती देख सकते हो। अब बात करते हैं अगर आपके बायो नहीं है, अगर आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बोटनी या जूलॉजी में से भी है कोई सब्जेक्ट तो भी आप नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती देख सकते हो। तो दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं सोल्जर क्लर्क की भी यहाँ पर आपको भर्ती देखने को मिल जाएगी। सोल्जर क्लर्क की बात करें तो 17.5 से 23 वर्ष के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए और 162 सेंटीमीटर आपकी हाइट, 10+2 अगर आप पास और 60% आपके नंबर बन रहे हैं और 50% सभी सब्जेक्ट में नंबर बने और 12th में आपके मैथ अकाउंट्स में से एक सब्जेक्ट है तो यहां पर आपको सोल्जर क्लर्क के लिए मौका मिल जाएगा। नेक्स्ट आती है दोस्तों सोल्जर ट्रेड्समैन 10वीं पास, 8वीं पास की भी मैं बताऊंगा दोस्तों, उससे पहले 10th पास की बात कर लेते हैं। यहां पर आपकी 17.5 से 23 वर्ष के बीच में एज होनी चाहिए, 169 सेंटीमीटर आपकी हाइट है और आप 10th पास हो और 33% आपके नंबर बन रहे हैं तो आप सोल्जर ट्रेड्समैन में भर्ती हो सकते हो। नेक्स्ट यहां पर आती है सोल्जर ट्रेड्समैन की 8th पास की भी वैकेंसी, इसमें भी 17.5 से 23 वर्ष के बीच में आपकी एज होनी चाहिए और यहां पर अगर आप 8th पास हो तो यहां पर आपको सोल्जर ट्रेड्समैन में भर्ती होने का बड़ा मौका मिल जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं यहां पे तो आपके फिजिकल की बात करते हैं। सबसे पहले आपका यहां पे फिजिकल होने वाला है। दोस्तों फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में यहां पर बात करें तो 1600 मीटर की आपकी रनिंग होगी जिसमें एक ग्रुप फर्स्ट होगा और एक होगा आपका ग्रुप सेकंड। ग्रुप फर्स्ट में रनिंग करोगे तो 5 मिनट 30 सेकंड तक अगर आप रनिंग करते हो तो आपको फिजिकल में 60 नंबर मिलेंगे, जबकि आप ग्रुप सेकंड में करते हो तो आपको 48 नंबर मिलेंगे और यहां पर आपकी दोस्तों पुलअप्स है वो भी होने वाले। पुलअप्स आपकी कितने नंबर की होगी दोस्तों, पुलअप्स की बात करें तो यहां पर आपके पुलअप्स है 10 पुलअप्स आप लगाते हो तो आपको 40 नंबर मिलेंगे और अगर आप फर्स्ट ग्रुप में रनिंग करके 10 पुलअप्स लगाते हो तो आपको फिजिकल में 100 में से 100 नंबर आपको मिल जाएंगे।
तो यहाँ पर आपका भर्ती होने का 100% चांसेज हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कहाँ कहाँ की भर्ती है, कब कब ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, कब से कब तक आपकी भर्ती चलने वाली है। सबसे पहले मैं आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस है, ये आपका कटक है, आर्मी रिक्रूटमेंट रैली एट गोपालगंज स्टेडियम प्रदीप जगत सिंहपुर उड़ीसा में भर्ती होगी आपकी 8 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल 2020 के बीच में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर आपके ऑनलाइन फॉर्म है वो 8 फरवरी से शुरू होने वाले, 23 मार्च तक आप इसके ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे कर सकते हो। 24 मार्च से लेके 30 मार्च तक आपके एडमिट कार्ड आपके पास में आ जाएंगे और उसके बाद आपकी भर्ती रैली यहाँ पे शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर एलिजिबल कैंडिडेट कौन कौन से, तो यहाँ पर पूरी है आपके, भद्रक है, कटक है, कोरडा है, बलोसूर है और मयूरभंज के साथ में जजपुर, जगदीश नगपुर और आपका केंद्र नगरा उसके साथ में नयागढ़, इन जिलों के अभ्यर्थी यहाँ पर इस भर्ती रैली में भाग ले सकते हैं। साथ में दोस्तों आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो जरूर कमेंट कर दीजिएगा ताकि आपके भी स्टेट की कोई रैली से संबंधित अपडेट आए तो हम सबसे पहले आपके सामने लेके आए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको हर प्रकार की रिक्रूटमेंट रैली की अपडेट भी टाइम से मिलते रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय।